राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। कार्यक्रम के प्रायोजक सोनालिका ट्रैक्टर्स अधिकृत विक्रेता में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स प्रोपाइडर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे परेड रोड सागर मध्य प्रदेश। सागर में पुलिस विभाग के द्वारा एनजीओ के सहयोग से नवाचार के तहत महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध घटित अपराधों एवं मानसिक स्वास्थ्य परामर्श विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बालकों के साथ लैंगिक अपराधों के मामले में कैसे उसकी मदद कर उसको मानसिक तनाव से मुक्त कर समाज में ऐसे अपराधों को गिरफ्त में आने वाले नाबालिग के द्वारा घटित अपराध पर रोक लग सके, इसको लेकर कार्यशाला के तहत विचार मंथन का परियोजना बनाई गई। आयोजित कार्यशाला के सत्र में विषय को लेकर समाज में कैसे जागृति लाई जा सके, इसके तहत विश्वविद्यालय की राजनीतिक विभाग की प्रोफेसर अनुपमा कश्यप ने अपना मार्गदर्शन दिया। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आयोजित विषय पर डॉक्टर किरण महेश्वरी ने भी कार्यशाला के जरिए अपने विचार साझा करते हुए कैसे इस समस्या से ग्रसित लोगों की मदद पहुंचाई जा सके इसकी जानकारी दी। वहीं आयोजन के दौरान एनजीओ द्वारा रिसर्च कर तलाशे गए कारणों से विस्तार से अवगत कराते हुए कार्यशाला में मौजूद लोगों को इसकी जानकारी दी गई। कार्यशाला को CSP ने संबोधित किया और पुलिस द्वारा ऐसे मामलों में घटित अपराधों में पीड़ित को कैसे मदद दी जा सके इसकी जानकारी दी। आयोजित कार्यशाला में आमंत्रित अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखे। आयोजन के उद्देश्य को लेकर पुलिस विभाग की तरफ से संगीता सिंह ने जानकारी देते हुए ऐसी कार्यशाला को आयोजित उद्देश्य की दृष्टि से सहायक करार दिया, जिसमें विचार विमर्श के बाद निकले निष्कर्ष के तहत एक कार्य योजना बनाकर मैदानी स्तर पर अमलीय जामा पहनाए जाने की बात कही, जिससे ऐसे अपराधों पर अंकुश लग सके। लीगल एजुकेशन मतलब आपके साथ कोई अपराध होता है तो आपको क्या क्या कदम कैसे कैसे उठाने हैं, बेसिक 1 2 3 4 क्या करना चाहिए, वो अवेयरनेस, और अगर कोई समस्या होती है तो मेंटली उसे कैसे कोप अप करना है, ये दोनों चीज़ों को एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल लेवल पर ही डाल देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करें। मैं एक सुझाव संगीता जी को देना चाहूँगी कि स्कूल टीचर्स के साथ किया बहुत अच्छा, एक बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है अगर उनके साथ भी कर दें तो वो बच्चे जो स्कूल नहीं पहुँच रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन तक भी पहुँच। ये जो वर्कशॉप में आप आई हैं इसमें क्या जानकारी है? ये एक्चुअली मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और पॉक्सो एक्ट पे निर्भर है। पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, इस पे ये कार्यशाला आयोजित की गई थी, क्योंकि यौन उत्पीड़न नाबालिग बच्चों में बहुत ज़्यादा स्तर पर पाया जाता है जो कि उजागर नहीं होता है, तो इस सिलसिले में अवेयरनेस करने के लिए और क्या इसके कारण जो यौन उत्पीड़न की वजह से जो मानसिक क्षति बच्चों में पहुँचती है, क्योंकि ये बच्चे ही हमारे आने वाले भारत का उज्जवल भविष्य है, तो उसके लिए मैं अवेयरनेस ला के कैसे इनकी काउंसलिंग करी जाए, इनके साथ कैसे डील किया जाए उसके बारे में। आज जो कार्यक्रम है ये पुलिस विभाग और युवा विकास मंडल दोनों ने मिलकर एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। ये पॉक्सो एक्ट पर और मेंटल हेल्थ एक्ट पर एक कार्यक्रम है, जिसमें जो फरियादी जो नाबालिग बच्चे होते हैं और जो पीड़ित नाबालिग बच्चे होते हैं इनकी मेंटल स्टेटस को लेकर के जो मेंटल स्टेटस क्या काम करती है, ये किस तरीके से समाज में किस मानसिक स्थिति से प्रभावित होकर बच्चे अपराध करते हैं और किसी बच्चे के साथ में अपराध जब हो जाता है वो किन मानसिक स्थितियों से गुजरते हैं और किस प्रकार से मानसिक पीड़ा को वो अपनी खेलते हैं, इस संबंध में एक कार्यशाला है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो केस स्टडी है, अगर आते काउंसलर भी हैं जो अलग अलग विभाग के काउंसलर, जो पुलिस विभाग से, शिक्षा विभाग से और जो अन्य NGO हैं, जो सभी मिलकर के चीज़ों में डिस्कस निकालेंगे कि बच्चा किस मानसिक स्थिति में अपराध करता है और एक बच्चे के साथ में जब अपराध हो जाता है तो वो समाज में कैसे सर्वाइव करता है, उस दौरान माता पिता की क्या जिम्मेदारी होना चाहिए, पुलिस की क्या जिम्मेदारी होना चाहिए और एज ए काउंसलर उनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उन बच्चों को हम उस अपराध से कैसे उभारें, इस विषय को लेकर के एक दिन की कार्यशाला।